Platform Byju's exam prep, the most comprehensive preparation app for all exam. My name is Bhavar Singh Shrem, XND 115 course, and aap sabhi ka swagat hai. Byju's exam prep ke platform par dekhte hain kaun kaun mere saath live hai. Agar aap live hai, jaise aap type in kijiyega and mere ko batayega ki aap log live ho chuke hain. Plus ye session aap live dekh rahe hain. Sangh Mitra Jai Hind, who else is here? Please type in the message and let me know that you're watching this session live. Aaj ke session mein, jaisa ki aapko pata hai, har Sunday hum aapka jo hai, we are discussing your PPDT. To aaj bhi hum aapki jo hai PPTTs के ऊपर ही आपका डिस्कशन करने वाले हैं. विल बी डूइंग द सेम दैट वी आर डूइंग फॉर द पास्ट थ्री वीक्स. ऑलराइट, अनंत गुड इवनिंग एंड जय हिंद. और कौन कौन है मेरे साथ लाइव, जल्दी आप टाइप इन कीजिएगा, मेरे को बताएगा कि आप लोग लाइव हैं और ये सेशन आप लाइव देख रहे हैं. रोहित गुड इवनिंग, जल्दी से टाइप इन करते रहे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन. लाइक और शेयर भी कीजिएगा. गुड इवनिंग सागर आरोही, गुड इवनिंग जय हिंद धीरज. और कौन कौन है मेरे साथ लाइव, गुड इवनिंग उज्ज्वल. ऑलराइट, जल्दी से टाइप इन करते रहे एंड साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन. लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. और अनदर थिंग इज, आज 8 अक्टूबर है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने एयर शो जरूर देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो कंप्लीट उसकी रिकॉर्डिंग आई विल शेयर ऑन द टेलीग्राम चैनल. ठीक है, पूरी कंप्लीट 1 घंटे का एयर शो आज जो है वो जो है प्रयागराज में आपका कंडक्ट किया गया टू मार्क द 91st इंडियन एयरफोर्स डे. और अल्टीमेटली आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वन ऑफ यू जो आपका जो है दोस्त हु हैव मेड आउट इन द एफकैट. और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है एफकैट के थ्रू जो है इंडियन एयरफोर्स को जरूर ज्वाइन करेंगे. सर आंखें पर चश्मा लगा है तो उसे लेजर करवा लें तो मेडिकल में कोई दिक्कत तो नहीं होगी CDS में? बेटा आप ही मत करवाओ. ठीक है, मेरा सजेशन यही है कि अगर आपकी आईसाइट विदिन द परमिसेबल लिमिट है तो इनिशियली डू नॉट गो फॉर द लेजर. क्योंकि लेजर के बाद देयर इज अ कूल ऑफ पीरियड. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप लेजर कराओ और आपका जो है अगर मेडिकल नेक्स्ट 2 वीक्स में हो या फिर 2 महीने में हो आप बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे. ठीक है, एक कूल ऑफ पीरियड होता है लगभग आपका 1 साल का. उसके बाद ही आप जो है क्या हो सकते हैं, आप जो है रिकमेंड हो सकते हैं, आप मेडिकली फिट हो सकते हैं 1 साल के बाद. क्योंकि उसमें कॉर्नियल स्टेबिलिटी देखी जाती है, कॉर्नियल थिकनेस देखी जाती है, सारी चीजें देखी जाती हैं. तो अगर आपके आईसाइट वीक है तो बेटा डू नॉट गो फॉर दी लेजर. ठीक है, इनिशियली मत जाओ, देखो पहले कि क्राइटेरिया क्या है. अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो, आपकी आईसाइट इतनी ज्यादा वीक नहीं है तो अभी आप रहने दो लेजर करवाने के लिए. सिर्फ मेरा 1 मंथ के बाद SSB प्रिपरेशन के लिए क्या करे, तो SSB प्रिपरेशन के लिए बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है सबसे इनिशियली चीज तो यह है कि बुक्स पर रिलाय बिल्कुल मत करो. ठीक है, क्योंकि SSB जो है वो आपका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है. तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं आपका तो उसके लिए यू शुड ज्वाइन अ कोर्स. आप कोर्स ज्वाइन कर ले बायजूस एग्जाम प्रेप पर. वी हैव द SSB कोर्सेज जो कि आपका है. देयर इज अ सेपरेट कैटेगरी फॉर द SSB ऑल्सो, जहां पर कर्नल रहेल के साथ साथ मैं और बाकी सब भी आपका जो फैकल्टीज हैं, एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं, वो आपको गाइड करते हैं फॉर द SSBs. ठीक है, तो अल्टीमेटली द थिंग इज कि आप जो है कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है. यू शुड नो वेयर यू आर डूइंग मिस्टेक्स. आपको पता होना चाहिए कहां पर गलतियां जो है वो हो रही है. ऑलराइट रोहित एंड पूजा गुड इवनिंग, सत्यम गुड इवनिंग. चलिए, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, आज हम बात करेंगे टीथ थोड़े टेढ़े हैं तो CDS SSB में चलेगा क्या. बिल्कुल चलेगा, डोंट वरी. ठीक है, बिल्कुल भी अभी टेंशन नहीं लेना है मेडिकल का. ठीक है, अगर कोई भी छोटी मोटी चीज है वो आपका ओवरलुक हो जाती है मेडिकल में, थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, कोई बात नहीं. ठीक है, गुड इवनिंग एंड जय हिंद यदुवंशी. ऑलराइट, यहां पर हम बात करने वाले हैं आपका जो है PPDT चैलेंज की. मैंने आपको एक पिक्चर दी थी, वो पिक्चर मैंने आपको जो है यहां पर हम देख सकते हैं कौन सी पिक्चर आपके सामने थी. और लास्ट वीक कर्नल रहेल के साथ मैंने आपके साथ जो है बहुत सारी चीजें डिस्कस भी की थी कि जब आप PPDT में होते हैं तो उस समय पर आपको किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, किन चीजों को सोचकर समझकर आपको अपनी स्टोरीज को पॉइंट आउट करना चाहिए. ठीक है, लास्ट जो हमारा सेशन था कर्नल रहेल के साथ, आगे भी हम फर्दर ऐसे ही सेशन करेंगे, लेकिन लास्ट सेशन में मेरा फोकस था नेगेटिव इमेजेस के ऊपर कि अगर कोई नेगेटिव इमेज आ जाए तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करें. लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर, ये पिक्चर मैंने आपको दी थी, इस पर आपसे कहा था PPDT के लिए अपनी स्टोरीज को भेजने के लिए. ठीक है, लास्ट वीक भी जब मैंने कर्नल रहेल के साथ एक पूरा सेशन कंडक्ट किया था उस समय पर भी यही हमारा सजेशन था कि कोई भी एक पिक्चर, बहुत ज्यादा पिक्चर्स पर स्टोरी मत लिखो. ठीक है, बहुत ज्यादा पिक्चर्स पर स्टोरी रखने की कोशिश मत करो.
कोई भी एक पिक्चर लो और उस पे तीन चार स्टोरीज लिखो, ठीक है। तीन चार स्टोरीज लिखने के बाद फिर आप देखो कि भाई आपकी मतलब आपको खुद समझ में आएगा कहां आप गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर मैंने आपको शो की थी, ये पिक्चर आप यहां पर देख सकते हैं, दिस पिक्चर वॉज शोन। और इसी पिक्चर के बेसिस पर मैं आज आपके सामने जो स्टोरीज आई हैं उन स्टोरीज को डिस्कस करूंगा, क्या क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, उन चीजों को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कैसे करें विद हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। तो मैथ्स भाई निशांत, मैं हमेशा कहता हूं बेटा, इंग्लिश स्पीकिंग को इंक्रीज करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे शीशे के सामने खड़े होकर, फोन में रिकॉर्डिंग लगाकर, उतनी ही अच्छी आपका इंग्लिश स्पीकिंग होगी, ठीक है। बिकॉज देखो, जैसे स्टोरी राइटिंग में हमें समझ में आता है ना, जब हम लिखते हैं कि यार यहां पर मैं गलती कर रहा हूं, जब हम उस स्टोरी को वापस से पढ़ते हैं, ठीक है, सिर्फ लिखना ही नहीं है, उसको पढ़ना दोबारा से, हमें समझ में आता है कि अच्छा यहां पर मैं अच्छा कर सकता था, इस स्टोरी को ऐसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है, आपको खुद समझ में आएगा। ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग का यही है, जब आप बोलना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ यू शुड स्पीक, वेयर यू हैव टू टेक द मिरर पॉजेस, वो सब चीजें, मिरर के खड़े होकर बोले क्या सब, बिल्कुल मिरर के सामने, ठीक है, मिरर के सामने खड़े होकर बोलो। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, मेरे पास काफी सारी स्टोरीज आई, ठीक है, मैंने लास्ट सेशन में भी जब मैंने आपसे बात की थी तो उस समय पर ये मेरे आपसे बात थी कि भाई जब भी आपके सामने पिक्चर होती है उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू लुक द पिक्चर अटेंटिवली, ठीक है, बहुत ध्यान से आपको जो है देखना है। टैटू के ऊपर बेटा एक वीडियो बना दूंगा मैं, उसको देख लेना। टैटूज जो है वो अलाउड है, लेकिन सिर्फ उसके लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, उसी क्राइटेरिया के अंदर आपके टैटूज होने चाहिए तो ही वो आपके अलाउड है, ठीक है। मैथ्स फ्रॉम बेसिक फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट के लिए भी कुछ सजेशन फॉर IMA, यश, व्हाट यू नीड टू डू इज आप जो है 9th और 10th की पहले NCERTs कवर कर ले, ऑलराइट। उसके बाद डोंट स्टार्ट राइटिंग, जैसे ही आपको जो है पिक्चर आपने देखी तुरंत लिखना शुरू नहीं करना है, आपको पिक्चर को देखना है, और जब आप पिक्चर को देख रहे हैं उसी समय पर आपको ये देखना है कि जो आपका एक्शन है वो एक्शन क्या होना चाहिए, किस थीम पर आप अपनी पिक्चर बनाने वाले हो, ठीक है। इसी के साथ साथ सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत ध्यान से आपको पिक करना है, एंड आपकी जो पूरी स्टोरी है वो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और आपका जो है एंड, ये उसमें आपका होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मैं बात करूं आपका, बहुत सारे बच्चों ने स्टोरी भेजी लेकिन आपने ये सेशन नहीं देखा, ठीक है। अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है बेटा, मैं आपसे बता रहा हूं, अगर आप पहली बार आप PPTT में स्टोरी लिख रहे हो या फिर आप पहले भी स्क्रीनिंग में गए लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपका स्टोरी लिखनी कैसे है, क्या क्या चीजें आपकी स्टोरी में होनी चाहिए, कैसे शुरुआत होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, मेन बॉडी में आपका क्या चीजें आएंगी, और साथ ही साथ कंक्लूड कैसे करें, ठीक है, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपका स्टोरी में। तो बहुत सारे बच्चों ने स्टोरी भेजी लेकिन उनकी जो स्टोरी है वो आपका टू द लाइन नहीं है, मैं अभी डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। मैंने आपको पूरी तरीके से बताया कि आपका जो है स्टोरी राइटिंग आपको कैसे करनी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NDA रिटर्न का एग्जाम 21 अप्रैल को है, तो SSB की डेट्स किस मंथ में आएंगी? तो शिवम, आपका जो है 21 अप्रैल को आपका एग्जाम है, ठीक है। मई में आपका रिटर्न होगा और जून जुलाई में आपके SSBs होंगी, ठीक है। जून जुलाई में आपका जो है SSBs आएंगी, ऑलराइट। अगर ज्वाइनिंग के टाइम फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया तो कितना रिलैक्सेशन टाइम? बेटा ज्वाइनिंग के समय कोई टाइम नहीं मिलता है, आप SSB में जाओ वहां पर टाइम मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना होता है कि यू आर स्टिल इन द लास्ट ईयर, ठीक है। आपका जो है आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, तब वहां पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, आपको SSB देने दिया जाता है। लेकिन जब ज्वाइनिंग होगी उस समय पर आपकी जो भी ज्वाइनिंग डेट होगी उस दौरान आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है सागर। ऑलराइट शिवम, मैंने आपको बता दिया आपका नेक्स्ट जो है जून जुलाई में आपका जो है SSB की डेट्स आएंगी फॉर दी NDA 1 2024। अब अगर मैं यहां पर बात करूं आपका जय हिंद शैलू, ऑलराइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको नहीं देखा, मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, बहुत सारी गलतियां आप करोगे जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में अगर आप देखें, मैंने देखा कोई बच्चा इसको उन्होंने अपना सेंट्रल कैरेक्टर पिक किया है। मेरे को एक बात बताओ, मैंने जैसे आपसे कहा कि पिक योर सेंट्रल कैरेक्टर वेरी केयरफुली, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं सेंट्रल कैरेक्टर की ही बात करूंगा। यहां पर चार लोग मेरे को दिखाई दे रहे हैं, आई कैन सी फोर
ऑफ द पीपल ओवर हियर, ठीक है, चारों के चारों साइकिल पे हैं। अब मेरे को एक बार बताओ, आप सबसे पीछे वाले को अपना कैरेक्टर बनाओगे या फिर सबसे आगे वाले को? लेकिन अगर पीछे वाले को भी बनाना है तो फिर उसको आगे लेकर आना है ना। सपोज आप इसको एक साइकिल रेस आप दिखा रहे हो, ठीक है, इसको साइकिल रेस अगर आप दिखा रहे हो तो उस कंडीशन में अगर आप इसको भी अपना कैरेक्टर आप चूज करते हो तो अल्टीमेटली यू हैव टू मेक हिम हीरो। और अगर आप साइकिल रेस बना रहे हो, उस वीडियो का लिंक बेटा, वीडियो का लिंक जो है वीडियो सेक्शन में आपको दिख जाएगा, द आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग, ठीक है शिवम, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप सेंट्रल कैरेक्टर को चूज कर रहे हो, मैंने ये पिक्चर इसीलिए ली थी क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि आप सेंट्रल कैरेक्टर को कैसे चूज करते हो। कुछ बच्चों ने इसको चूज किया, कुछ ने इसको चूज किया, कुछ ने इसको चूज किया, ठीक है। मैं कहता हूं इसको भी आप चूज कर सकते हो, यू कैन चूज द फोर्थ वन ऑल्सो, ये भी मेरा सेंट्रल कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन देन आई हैव टू मेक हिम हीरो, ठीक है। इसको मेरे को हीरो बनाना है तो वो डिपेंड करेगा मेरी स्टोरी के ऊपर कि मैं उसको किस तरीके से हीरो बना रहा हूं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने सेंट्रल कैरेक्टर को चूज कर रहे हैं तो उसको बहुत ध्यान से आप चूज करें, ठीक है। यहां पर काफी सारी स्टोरीज आई है, हम स्टोरीज के थ्रू ही समझेंगे कि कहां पर बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं और उन जो चीजें हैं उनको आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है कि जो बाकी ये जो आपका पीपीडीटी चैलेंज है ना वो किस लिए है। इससे दो चीजें हैं, अगर आप अपनी स्टोरी मेरे को भेज रहे हो तो आपको पता चलेगा आपकी स्टोरीज में कहां कहां प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करके देन अगेन यू कैन राइट दैट स्टोरी, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो जो बच्चे जिन्होंने कि अपनी स्टोरीज नहीं भेजी हैं उनको ये पता चलेगा कि बाकी सब कहते हैं ना कि कुछ बच्चे होते हैं कुछ ओके सर यू आर माय हीरो सर आई रियली लाइक योर ओरेटरी सर थैंक यू शिवा ऑलराइट। तो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों की गलती से सीखते हैं। तो जिन बच्चों ने अपनी स्टोरी अभी तक नहीं भेजी, मेरे को सेंड नहीं की, उनके लिए सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों की गलती से आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी स्टोरी राइटिंग करनी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये सेशन जरूर देखना है। अगर आपने ये सेशन नहीं देखा, आपको समझ में नहीं आएगा कि स्टोरी राइटिंग कैसे करनी है। ऑलराइट, अब यहां पर बात करते हैं, स्टोरीज देख लेते हैं। सबसे पहली स्टोरी है जगत बेहरा की, एक बार मैं यहां पर पढ़ लेता हूं। जगत 17 इयर्स ओल्ड स्कूल गोइंग स्टूडेंट इज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड डीएवी कटक। द डे ही वाज वेरी चार्मिंग फॉर जगत बिकॉज द फाइनल बोर्ड रिजल्ट गॉट पब्लिश्ड एंड ही टॉप्ड इन हिज स्कूल अलॉन्ग विद दिस। इट वॉज अ क्लाउडी डे, व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल ही अलॉन्ग विद हिज फेलो स्कूलमेट्स फेस्ड अ हेवी स्टॉर्म in the forest areas due to lack of accommodation in that area they took shelter beneath a tree. After few minutes the storm started depreciating. Taking advantage that Jagat instructed his fellow schoolmates to hurry up with this opportunity to reach home else there may be another round of storm occurs. ठीक है, यहां पर जगत की यह स्टोरी हमारे सामने है। सबसे पहली चीज तो जगत आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप नाम चूज कर रहे हैं, ठीक है, ये नाम अदर देन योर्स होना चाहिए, ठीक है, आपका नाम नहीं होगा ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपके बारे में इस इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं होगा, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड है, चाहे वो आपका डीएवी कटक है, ये भी आपका अपनी इंट्रोडक्शन नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये एक हाइपोथेटिकल करेक्टर है, आपको अपना नाम यूज नहीं करना, अपने एज आप यूज कर सकते हैं लेकिन बाकी सब चीजें अपने बारे में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। This was the first time जगत ने ये स्टोरी भेजी, ठीक है। Although first time के लिए मैं ये कहूंगा कि ये ठीक है स्टोरी, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपने यहां पर बाकी सारी चीजें बताई है, ठीक है, आपने बताया हैवी स्टॉर्म आपका आ गया, हैवी स्टॉर्म आपका आया, ठीक है, और उसके बाद फिर दे यू नो बिकॉज देर वॉज नो अकोमोडेशन या कोई भी वहां पर शेल्टर नहीं था तो उन्होंने ट्री के नीचे अपना शेल्टर लिया फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। स्टॉर्म आता है बेटा, जब भी स्टॉर्म आता है वो कुछ मिनट्स के लिए नहीं होगा, प्रैक्टिकल बी प्रैक्टिकल व्हेन यू आर राइटिंग द स्टोरी, ठीक है। एक तो पहली बात, जब भी स्टॉर्म आएगा वो कुछ समय के लिए नहीं होगा, अगर स्टॉर्म आया तो यू शुड हैव लुक्ड फॉर द अल्टरनेटिव्स, वहां पर कोई हट होती, कोई और ऐसी चीज होती जहां पर आपने जाकर अपने आप को और अपने जो दोस्त हैं उनको आपने सुरक्षित किया होता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऊपर आप क्लाउड्स देख सकते हैं, ठीक है, इन द पिक्चर यू कैन सी द क्लाउड्स ओवर हियर। तो ठीक है, मैं मान सकता हूं कि यहां पर जो है आप क्लाउड्स को देखकर आपको लगा कि स्टॉर्म है,
एंड अल्टीमेटली जब आप उसके थ्रू आप अपनी स्टोरी बना रहे हो, स्टोरी आप जो है उसको लिख रहे हो, तो यहां पर आपको क्या करना था, आपको जो है एक ऑल्टरनेटिव यहां पर चूज करना था, है ना। तो आप जब कोई भी स्टॉर्म आएगा आप पेड़ के नीचे खड़े नहीं होंगे, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि जब स्टॉर्म आता है तो उस समय पर लाइटनिंग भी हो सकती है ना, वहां पर आपका बिजली भी गिर सकती है। आपको प्रैक्टिकली सोचना है, क्या उस कंडीशन में एक पेड़ के नीचे खड़ा होना सही है, क्या उस कंडीशन में पेड़ के नीचे खड़ा होना सही है? बिल्कुल नहीं है। तो दैट शोज योर प्रैक्टिकलिटी, कि आपको जो है प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है जब भी आप अपनी स्टोरी राइटिंग करते हैं, ठीक है। मैंने ऑनलाइन आपकी यूट्यूब गाइडेंस को ब्लाइंडली फॉलो कर लूं और सेल्फ प्रैक्टिस तो SSB क्लियर हो जाएगा, मैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा सकता। तो शिवम बेटा मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन सिर्फ यूट्यूब पर वी आर कंडक्टिंग द स्टेज वन, स्टेज टू के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगी, ठीक है। स्टेज टू वी हैव नॉट कंडक्टेड ऑन दी यूट्यूब, उसके लिए यू हैव टू गेट एनरोल्ड इन टू दी कोर्सेज, ठीक है। लोकेश, इट वुड बी बेटर इफ यू कुड कंक्लूड द सेशन विद अ स्टोरी रिटन बाय यू सो दैट वी कैन टेक इट एज अ मॉडल एंड लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परफेक्ट स्टोरी। मैं ऐसा क्यों नहीं करता लोकेश, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं इसके ऊपर एक स्टोरी, ठीक है। लेकिन व्हाई आई एम नॉट डूइंग दिस, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा आपकी क्रिएटिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। मैं आपकी क्रिएटिविटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। मैं यहां पर एक स्टोरी दूंगा, पता लगा कि आपके सामने यही पिक्चर आ गई, आप डिट्टो वही स्टोरी वहां पर कॉपी करके लिख कर आओगे। एंड अल्टीमेटली देखो ऐसा होता है कि हर एक स्टोरी आपकी, देखो एक चीज समझना कि कोई भी स्टोरी है, हम ये सोचते हैं कि ये मैंने स्टोरी लिखी तो इज इट बैड और गुड, ठीक है। हम स्टोरी लिखने के बाद यही सोचते हैं, हमारे मन में सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि मैंने ये स्टोरी लिखी है क्या ये सही है या गलत है। मैं आपको बता दूं बेटा, कोई भी स्टोरी ना तो बैड होती है ना ही गुड होती है। एवरी स्टोरी, ये आपका जो स्टोरी है ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है। और यही पर्सनैलिटी को जज करने का काम किसका है, जो साइकोलॉजिस्ट है वहां पर, ठीक है। उनका काम यह है कि आपकी जो है स्टोरी से आपके बारे में समझे। मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी जो सोच है वो अलग होगी। मैं आपको गाइड कर सकता हूं आपकी क्रिएटिविटी को बेटर करने में, लेकिन अगर मैंने अपनी क्रिएटिविटी आपकी क्रिएटिविटी में आपने इंक्लूड कर दी तो उससे क्या होगा, उससे जो है आपकी क्रिएटिविटी रुक जाएगी, ठीक है। ये चीज समझो, इज इट नेसेसरी कि हीरो अपनी एज का दे, कोई जरूरी नहीं है शिवम, ठीक है। लेकिन आइडियली अगर मैं बात करूं आपका, अगर उसको अपनी एज का आप बना सकते हो तो फिर देन इट इज गुड। SSB के बाद मार्कशीट के लिए कितने टाइम मिल जाता है, मिल सकता है मार्कशीट के लिए? कौन सी मार्कशीट बेटा? अच्छा आपकी जो मार्कशीट आप बात कर रहे हो, तो आपको पता है देखो, जैसे फॉर एग्जांपल IIMA का आपका रिजल्ट आया, CDS का रिजल्ट आया, उसका जो आपका सेशन है दैट विल स्टार्ट इन जून जुलाई, ठीक है। तो उतना टाइम आपको मिलेगा, लगभग आपका SSB खत्म होने के बाद 4-5 महीने आपको मिल जाते हैं, एंड विद इन दैट पीरियड आप जो है अपनी मार्कशीट और बाकी सब चीजें रेडी कर सकते हो। ओके शिवा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, यहां पर आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। आप अगर कोई चीज, कोई भी अप्रोच ले रहे हो तो दैट शुड बी अ प्रैक्टिकल अप्रोच, आपको प्रैक्टिकली सोचना है, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी होनी चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं, दैट इज फ्रॉम तरुण। संदीप वॉज 21 ईयर ओल्ड, वॉज स्टडिंग बीटेक इन बाय स्टेइंग एट नियर बाय टाउन। ही वॉज ऑल्सो एन एक्टिव NGO मेंबर। When he returned to home during holidays, he observed that many of his village people who are daily wage earners are traveling too much distance for their earnings by walking to and forth to the town, which is nearly 15 kilometers away from their village, including old age people too. So he decided to take some initiative to solve this problem. Through his NGO, he offered cycles to villagers so that their burden be reduced. After completion of holidays, Sandeep went back to his college with his cycle, where he also received send off from his friends and elders. So, Tarun, yahan par agar hum baat kare aapka, yahan par agar hum is story ko dekhe aapka, to yahan par sabse important cheez hai ki theek hai, aapne starting sahi ki hai, theek hai, aapne bataya ki bhai Tarun hai, 21 years old hai, and wo kahan par aapka jo hai reh raha hai, kya wo kar raha hai, theek hai. Also, you said that he's an active NGO member. Theek hai. अब मेरे को एक चीज बताओ बेटा, आपने उसको एक्टिव NGO मेंबर बताया, ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्शन, कि आप क्या एक्शन ले रहे हो,
आपने कहा कि वहां पर जो लोग हैं उनके पास ओल्ड एज पीपल है, दे डू नॉट हैव, यहां पर मतलब अगर हम बात करें किसी भी विलेज की, तो ऑफकोर्स दे विल हैव दी बाइसिकल्स, मतलब एटलीस्ट दे विल हैव दी बाइसिकल्स टू गो फॉर द टाउन एंड एवरीथिंग. लेकिन जिनके पास नहीं है, आपने उनके लिए बाइसिकल्स अरेंज करनी थी. उस बाइसिकल अरेंज करने के लिए आपने अपने एनजीओ से क्या बात की, आपने क्या इनिशिएटिव लिया? ठीक है, आपने कहा कि भाई सीधा एनजीओ से मैंने पैसा दिलवा दिया या एनजीओ से मैंने जो है आपका बाइसिकल दिलवा दी, लेकिन इसमें आपका एक्शन नहीं दिख रहा है. ठीक है, आई एम नॉट सीइंग योर एक्शन ओवर हियर. तो जब तक आपका एक्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि यही एक्शन मेरे को ये डिसाइड कराएगा कि भाई आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, तो ये एक्शन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एंड दैट इज मिसिंग ओवर हियर. ठीक है, वो आपका मिसिंग है. आप एनजीओ में है, आपने एक एनजीओ के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप एनजीओ को कन्विंस करे, आपने जो है कुछ स्किट्स किए होते, या फिर आपका जो है यू नो देर आर सर्टेन प्रोग्राम जहां से आप जो है मनी रेज कर सकते हैं. ठीक है, तो यू कुड हैव इंडल्ज्ड इन मनी रेजिंग प्रोग्राम, एंड अल्टीमेटली एनजीओ अपनी जेब से तो पैसा देगा नहीं, तो कुछ तो काम करना पड़ेगा. वो जो आपका एक्शन है वो यहां पर नहीं है. अगर वो एक्शन यहां पर इंक्लूड होता, और ये हम थोड़ा सा छोटा कर देते, इसको हमें छोटा करना है, मेजर चीज हमें यहां पर फोकस करनी है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप हीरो हो इसके. आप मतलब ये जो आपका संदीप है, संदीप इज द हीरो, तो संदीप क्या कर रहा है यहां पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो उसको वो काम करते हुए आपको दिखाना है कि उसके एक्शंस क्या है, क्योंकि उन्हीं एक्शन से आपके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो है वो आपके पोर्ट्रे होते हैं. एफएसबी गुवाहाटी है, 10th की मार्कशीट भूल गई है, डिजी लॉकर वाला नहीं चलेगा क्या? मार्कशीट भुला गई है, कहां भुला गई है? मतलब अगर मैं बात करूं आपका, तो मार्कशीट आप घर पे भूल गए हो या कैसे, वो मेरे को समझ में नहीं आया. ठीक है, समझ में आया यहां पर हाउ यू हैव टू राइट दिस स्टोरी? खो गई है, डिजी लॉकर में है तो वो चल जाएगा. डिजी लॉकर से आप जब उसको डाउनलोड करोगे तो दैट विल डू, ऑलराइट. लेकिन साथ ही साथ आप जो है मार्कशीट के लिए अप्लाई कर दें, डुप्लीकेट मार्कशीट, जहां से आपने अपनी स्कूलिंग की है वहीं से आप डुप्लीकेट मार्कशीट दोबारा से आप जो है प्रोड्यूस करवा सकते हैं. ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए चल जाएगा. जस्ट टेल देम कि वो मिसप्लेस हो गई है कुछ भी, लेकिन बेटा ऐसा मत किया करो. मार्कशीट और खासकर 10th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो आपके पास मार्कशीट खो गई है, शायद हो सकता है सर्टिफिकेट हो या कोई भी चीज हो, तो उसको आप जो है अपने साथ ले जा सकते हैं. एंड द अनदर थिंग इज कि अप्लाई फॉर अ डुप्लीकेट मार्कशीट. इसके नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं गुना शेखर, थीम गुड फ्रेंड सर्कल. गुना अगेन, आप अपना खुद का नाम यूज नहीं करोगे. ठीक है, ये नाम आपका नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. जैसे मैंने आपसे कहा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने आपका जो है सेशन किया है द आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट है. उससे आपको समझ में आएगा कैसे आपको अपनी पूरी स्टोरी लिखनी है. गुना 16 इयर्स ओल्ड वाज अ एनर्जेटिक गाय हु ऑलवेज हैड जॉयफुली ऑरा अराउंड हिम एंड हिज फ्रेंड सर्कल. हियर हिज फ्रेंड्स टुगेदर गो एंड रिटर्न टू स्कूल व्हिच इज नेक्स्ट टू हिज विलेज. सो एवरी टाइम व्हाइल रिटर्निंग दे यूज्ड टू हैव साइकिल रेस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गुना यूज्ड टू विन द रेस विद ह्यूज डिफरेंस. And the Ricky race ending point was a bridge where everyone finishes the race. So he waits for them. After they all gather, then they all start to move casually to as before. Unexpectedly, one day, one of Guna's friend wins the race, and it creates a mindset for all the friends that, and they all start to compete to their best, knowingly or unknowingly. This made everyone competitive, healthy, and wiser. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. आपने यहां पर जो स्टोरी लिखी है, यू स्टार्टेड राइटिंग द स्टोरी, सबसे पहली बात तो यह है गुना. द अदर थिंग इज, जो मेरे को इस स्टोरी में अच्छा लगा, दैट इज कि यू केप्ट इट वेरी सिंपल. ठीक है, जितनी देखो मैं हमेशा कहता हूं, बहुत जरूरी नहीं है कि आपको अपने हीरो को बहुत बड़ा हीरो बनाना है. ठीक है, वो एक सिंपल सा बंदा हो सकता है. यहां पर आपकी स्टोरी से जो एक चीज समझ में आ रही है, दैट इज दैट यू आर प्रमोटिंग अ कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप, हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस इन योर फ्रेंड्स. ठीक है, तो वो सबसे अच्छी चीज है यहां पर, जो आप यहां पर पोर्ट्रे कर रहे हो. एंड अल्टीमेटली दिस इज वन ऑफ द गुड स्टोरी. मैं बेस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन गुड है. यू स्टिल हैव रूम फॉर इंप्रूवमेंट, यू कैन इंप्रूव. ठीक है, इसका नेक्स्ट गणेश की स्टोरी हम यहां पर देख लेते हैं. ठीक है, अगेन जैसे मैंने आपसे कहा बेटा, यू आर
यूजिंग द लास्ट पर्सन, है ना। ये जो आपका यहां पर जो आप जो पोर्ट्रे करते हो ना, चार लोग हैं, इनको उसी सीक्वेंस में हम देखेंगे जैसा कि आपका पिक्चर में है। तो यहां पर जब आपने लास्ट पर्सन को आपने एनसर्कल किया है, तो दैट मीन्स इट इज द लास्ट पर्सन। एक्शन द डेवलपमेंट ऑफ होम टाउन। राज इज 28 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम दुलिया विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल, राज मूव्स टू द सिटी फॉर हायर एजुकेशन एंड कंप्लीट्स हिज पीजी फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटी। He came back to his village after 9 years for some work. There he found out that their village is underdeveloped. अब यहां पर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब वापस आ रहे हो तभी आपको पता चला, मतलब आपका गांव है, आप उसी गांव से गए हो, आप वापस आए तब जाके आपको पता चला कि वो अंडरडेवलप्ड है। वो तो पहले से ही अंडरडेवलप्ड होगा ना। अगेन प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। द रोड्स आर ब्रोकन, नो प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग, नो डिस्पेंसरी इन द विलेज। He met his three childhood friends and asked them about this. They discussed about all these things in next Gram Panchayat meeting. They met the MLA of that area. Raj told them about the situation. So MLA approves fund for the village. After 2 years, the whole structure of their village changed. All the people are very happy. Ramesh stayed in the village. He started teaching in the village school. अब यहाँ पर रमेश कहाँ से आ गया? राज था यहाँ पर। ये काम नहीं करना है आपको, बीच में अपने करेक्टर को नहीं चेंज कर देना है। राज की स्टोरी चल रही है, राज में रमेश आ गया है, ठीक है। राज बदल चुका है, अब उसका नाम बदल गया है, तो ये चीज नहीं करना है। जो चीज आप लेके चल रहे हो उसी को आपको साथ में आगे उसको लेकर बढ़ना है, ठीक है। He started teaching in the village school and children of the village started preparing for competitive exams and every year 2-3 children started clearing the competitive exam, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच है। मैं अगर बात करूंगा कि आपने पूरे एग्जाम, पूरे विलेज को आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं कराया, ठीक है, तो दैट शोज प्रैक्टिकलिटी। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि आपने यहां पर क्या किया, स्टोरी के बीच में अपने करेक्टर को चेंज कर दिया, वो नहीं करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी है क्योंकि आपको बाद में पता चल रहा है। तो अल्टीमेटली अगर मैं अपने गांव में हूं और मैं उसके बाद बाहर जा रहा हूं शहर में, तो मेरे को पहले से ही पता होगा कि मेरा जो गांव है वो डेवलप्ड नहीं है, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसा कुछ नहीं है ऋतिक, ठीक है। यू हैव टू टेल देम योर प्रॉब्लम, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टोरी यहां पर हम देखते हैं, दैट इज ऑफ सौरभ। समीर 22 years, वॉज स्टडिंग बी ए, ही वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स बिकॉज ऑफ हिज एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज। सो वन डे He knew a spot for visit, so he decided to go there by cycle and he told about place to his friends. They joined him. So in this picture, they are going for visiting the spot and the boy who is leading the group is Samir. Because only he knew that place, everyone was very excited and the distance was very far. So they bring their necessary items with them in the bag. Again, जैसे मैंने आपसे कहा, ये बहुत important है। ये जो video है, ये काफी important है। यहां पर आपकी जो स्टोरी है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स मिसिंग है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आपका इंट्रोडक्शन तो है यहां पर, लेकिन बेटा ध्यान रखो, इंट्रोडक्शन के बाद व्हाट लेड टू द पिक्चर, ठीक है, व्हाट लेड टू पिक्चर, ये आना चाहिए। उसके बाद फिर आपका मेन बॉडी, यानी कि आपका एक्शन, आपने उसके लिए क्या किया, ठीक है, और एक्शन के बाद आपका कंक्लूजन, ठीक है। ये तीनों आपकी स्टोरी में मिसिंग है, ये है ही नहीं यहां पर, ठीक है। आप यहां पर डिस्क्राइब कर रहे हो पिक्चर को, पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है। ध्यान रखना बेटा, दिस इज स्टोरी राइटिंग, दिस इज नॉट पिक्चर डिस्क्राइबिंग। तो एक्चुअली में जो टेस्ट है उसका नाम है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो पिक्चर के परसेप्शन के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर परसेप्शन, आपने परसेप्शन के बेसिस पर आपको उसके ऊपर स्टोरी लिखनी है। आपको पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है। आपने यहां पर क्या किया, आपने उसको पिक्चर को डिस्क्राइब किया। इन दिस पिक्चर दे आर गोइंग फॉर विजिटिंग द स्पॉट। आपका ना तो व्हाट लेड टू पिक्चर आया यहां पर, ना मेन बॉडी है, ठीक है, ना ही आपका कंक्लूजन है। तो इसलिए यह चीज ध्यान रखनी है कि ये जो वीडियो है इसको एक बार जरूर देखना है। जो भी बच्चे आपका फर्स्ट टाइम राइट कर रहे हैं, दे आर स्टार्टेड राइटिंग दी स्टोरी, अभी इनिशियली आप स्टोरी राइटिंग शुरू कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो को जरूर देख लेना। साथ ही साथ हमने पीछे जितने भी वीकली पीपीडीटी सेशन किए हैं उनको भी आप देख लेना, ठीक है। हाउ मेनी लाइंस स्टोरी शुड बी, लाइंस की बात करूं तो बेटा आपका जो है 8-10 लाइंस,
ठीक है, 8 से 10 लाइंस में आपका स्टोरी होनी चाहिए, और या फिर अगर मैं वर्ड्स की बात करूं तो 100 से 120 वर्ड्स, ठीक है, ये आपका, क्योंकि 3 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यू विल गेट 3 मिनट्स, ठीक है। लोग कहते हैं 4 मिनट, 4 मिनट नहीं मिलते, ठीक है, 3 मिनट, 3.5 मिनट में ही आपका बेल बज जाती है और आपकी स्टोरी राइटिंग खत्म हो जाती है। तो 3 मिनट में आप इतनी स्टोरी लिख पाओगे, इतने ही वर्ड्स लिख पाओगे, अगर आप इससे ज्यादा लिख पाते हो तो फिर देन इट वुड बी गुड। ऑलराइट, यस, आई एम बेटर राइट नाउ बिट्टू, ऑलराइट, ठीक है। प्रथमेश, पीपीटी देख के कुछ समझ नहीं आता कैसे लिखूं, तो इंग्लिश राइटिंग पर वर्क करना होगा क्या? नहीं, इंग्लिश राइटिंग पे तो वर्क करना होगा, लेकिन पहले ये समझना है कि पिक्चर के बेसिस पर स्टोरी कैसे लिखनी है। इसलिए मैंने आपसे कहा यहां पर कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को जरूर देखना है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हो तो अल्टीमेटली वहां पर आप गड़बड़ करोगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टोरी इज फ्रॉम अमीशा, देयर आर 4 पीपल इन दिस पिक्चर, द नेम ऑफ द फर्स्ट वन इज राम, द सेकेंड वन इज कश्यप, द थर्ड वन इज दानिश, दानुष, एंड द फोर्थ वन इज दिनेश। बेटा यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपको जो है, वॉट यू आर अगेन डूइंग इज कि आपको सारे करेक्टर्स को डिस्क्राइब नहीं करना है, यू आर डिस्क्राइबिंग द स्टोरी, ठीक है, डिस्क्राइबिंग द पिक्चर। तो जो आप जो पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हो ये नहीं चाहिए, ठीक है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। मेरे को सिर्फ एक मेन हीरो चाहिए, मेन हीरो के बारे में ही आप बात करोगे, उसी के बारे में आप अपनी स्टोरी लिखोगे, ठीक है। ही हैज पार्टिसिपेटेड इन साइकिलिंग कॉम्पिटिशन, राम इज एट द फोरफ्रंट अमंग दीज 4 बॉयज, बट देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट इन द बैक, वन डे सडनली, अच्छा, वन बॉय सडनली फॉलन हुज नेम इज दानिश, इन द रिमेनिंग, इन आर रिमेनिंग 2 आर राइडिंग फास्ट बाइसिकल्स टू विन द रेस, Ram almost win the competition, but suddenly turns back and sees the boy Dinesh fallen off the bicycle, and Ram turns back and goes to help him. Ram is runner-up who won the race of the integrity. ठीक है, यहां पर अगेन मैं आपको बताऊं बेटा, यहां पर अगेन आपको क्या करना है, यहां पर जब आप इसको लिख रहे हो, ठीक है, अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है, एक सिंपल स्टोरी आपको लिखनी है, जितनी आप सिंपल स्टोरी रखोगे उतनी ही बेटर आपकी स्टोरी होगी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड देन डू नॉट यूज सच प्रिपोजिशंस, मतलब प्रिपोजिशन कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, आई डोंट नो, ठीक है, इंग्लिश की ग्रामर मेरी वीक है। एडजेक्टिव्स, तो डू नॉट यूज एडजेक्टिव्स, ठीक है, एडजेक्टिव्स आपको यूज नहीं करने हैं। राम इज वेरी हार्ड वर्किंग, राम इज करेजियस, राम इज बोल्ड, राम इज एनर्जेटिक, ये जो एडजेक्टिव्स है ना, इनको आपको यूज नहीं करना है, इनको अपनी स्टोरी से आपको दिखाना है कि अच्छा, राम जो है वो एनर्जेटिक है, राम जो है वो करेजियस है, राम जो है इसके अंदर एक हेल्पिंग नेचर है, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको अपनी स्टोरी से दिखाना है, एडजेक्टिव्स को यूज नहीं करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। एंड राइट इट अगेन, ठीक है, पहले वो वाला जो मैंने आपको बताया वीडियो उसको देख लो, एंड देन राइट दिस कंप्लीट स्टोरी अगेन। उसका मयूर, 5 फ्रेंड्स एबीसीडी अगेंस्ट अबाउट, भाई मयूर इतने, मतलब आई नो इफ यू आर द सेम मयूर, यू सी माई ऑल दी सेशंस, ठीक है, मैं इतने सेशंस कर चुका हूं, अगेन वॉट यू डू ओवर हियर इज, पहली बात तो आप इस तरीके से यूज नहीं करोगे, ठीक है, दे हैव टू हैव नेम्स, एबीसीडी नहीं होगा, ठीक है, देन मेरे को सिर्फ मेन कैरेक्टर का नाम चाहिए, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द मेन कैरेक्टर, ठीक है, उसी के बारे में ये पूरी स्टोरी है, उसी के बारे में आपका जो है पूरी आपकी कहानी जो है वो उसी के बारे में है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो अगेन व्हाट यू आर डूइंग इज, आप यहां पर सिर्फ आपने पिक्चर को डिस्क्राइब किया है, आपने अपनी स्टोरी कोई नहीं लिखी है, ठीक है, तो डू नॉट डिस्क्राइब, अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो वाला सेशन देखें कि आपको प्रॉपर स्टोरी लिखनी कैसे है। पीपीटी की स्टोरी लिखने के लिए एसएसबी सेंटर पर टेबल एंड चेयर दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, घर से थोड़ी ना लेकर आओगे, ठीक है, या टेबल पर लिखना होगा, प्लीज सर उसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। बेटा आपके पास एक प्रॉपर चेयर होगी, सामने टेबल होगा, ठीक है, देन यू विल राइट इट, ठीक है, आपको प्रॉपर जो है ऑडिटोरियम होगा, ऑडिटोरियम लाइक सेटअप होगा, जहां पर आपकी जो है प्रॉपर सेटिंग होगी, और वहीं पर आपको पीपीडीटी के लिए, पीपीडीटी से पहले ओआईआर टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका पीपीडीटी होगी, ठीक है, तो वहीं पर आपको जो है लिखने के लिए जगह दी जाएगी, ठीक है, डोंट वरी। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें रूप ज्योतिनाथ, तो ओवर हियर यहां पर करेक्टर आपने चूज किया है, ठीक है, सबसे आगे वाला,
action guiding tourists to the waterfall. Sahil is a 22-year-old boy, lives in a village called Shilpathar, situated to the north of Guwahati. The landscape of this village is exceptionally beautiful and it has many waterfalls. Tourists from nearby areas as well as from the other states come and visit his village. One day, three tourists lost their way to the waterfall and started roaming here and there. When Sahil got to know about them, he took his cycle. अच्छा, अब यहाँ पर when Sahil came to know about them, कैसे पता चला? ठीक है, कैसे पता चला? ठीक है, उसको कैसे पता चला? वो वहां पर था या क्या था? वो वहां से अपने कॉलेज जा रहा था, वहां से अपने गांव जा रहा था, उसको कैसे पता चला? सपना तो आएगा नहीं कि आपका जो साहिल है वो सो रहा है, रात को सोते सोते उसको पता लगा कि अच्छा तीन टूरिस्ट जो है वो आपके गुम हो गए. ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, वॉट लेड टू द पिक्चर. ठीक है, कि वो वहां तक पहुंचा कैसे. पहली बात तो ये बहुत लेट आया. ठीक है, वॉट लेड टू पिक्चर, ये इनिशियली आपका जो है फर्स्ट एक दो लाइंस में आपका इंट्रोडक्शन, एक दो लाइंस के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट टू थ्री लाइंस है उसी के बीच में आपका जो है व्हाट लेड टू पिक्चर आ जाना चाहिए. ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर बहुत बहुत अच्छे से समझनी है कि ये प्रैक्टिकलिटी नहीं दिखा रहा है. तो आपको यहां पर बताना कि वो कैसे उसको पता चला कि वो लॉस्ट है एंड इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट दैट ही इज गोइंग टू हेल्प देम. आफ्टर अ व्हाइल साहिल मीट देम, इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड लीडिंग द वे. ऑन द वे Sahil showed them the mesmerizing sceneries of his village. After 30 minutes, they reached the place. The tourists were happy to see the waterfall. They took bath there and enjoyed their packet lunch with Sahil, clicked photos and made videos. And in the afternoon, they returned safely and happily. In this way, Sahil made a bond of friendship with the tourist. ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये आपकी स्टोरी जो है, अगर मैं बात करूंगा स्टोरी लाइन ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आपको यहाँ पर पता चलना चाहिए कि भाई आप वहां पर उस पिक्चर तक पहुंचे कैसे हो, वो पहले आना चाहिए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दो क्योंकि इतनी लंबी स्टोरी आपको लिखने का टाइम नहीं मिलेगा. ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट आपको करना पड़ेगा. पिक्चर प्रोजेक्टर पर दिखाया जाएगा क्या सर, अगर बैक बेंच से इजी पिक्चर देखने में प्रॉब्लम हो सकता है ना? तो बेटा, अगर इफ यू हैव आई साइड वीक, तो जब पिक्चर दिखाया जाएगा उससे पहले यू कैन आस्क दी इंस्ट्रक्टर्स. ठीक है, वहां पर जो एसेसर्स होंगे कि सर आई हैव आई साइड वीक. ठीक है, अगर आप अपना स्पेक भूल जाते हो या फिर आप स्पेक कैरी नहीं कर रहे हो, एंड देन दे विल मेक एन अरेंजमेंट कि आप जो है आपको आगे बैठा दिया जाए. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपसे कहूंगा बेटा, अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, आई साइड वीक है, स्पेक्स आप कैरी नहीं कर रहे हो, तो देन आप क्या कर सकते हो, आप बिफोर दी पिक्चर इज शोन आप वहां पर एसेसर से बोल सकते हो कि सर आई हैव अ प्रॉब्लम, माई आई साइड आर वीक and it won't be easy for me to sit in the back and then look at the picture, I can sit in the front rows. ठीक है, and ultimately the arrangement would be made. लेकिन आपको बोलना पड़ेगा. ठीक है, picture में suggestion दे सकते हैं क्या? Picture में कोई suggestion नहीं देना है. Picture आपके सामने है, उस picture पर आपको story बनानी है. ठीक है सत्यम, इसके next story is from Anand. Anand again. ठीक है, यहां पर आप देखो लास्ट कैरेक्टर आपने चूज किया है, लेकिन मैं यहां पर पहले स्टोरी पढ़ूंगा उसके बाद बताऊंगा कि ये लास्ट कैरेक्टर सही है नहीं है. एक्सपेडिशन ऑफ स्वच्छता कैंपेन. आदर्श इज 20-year-old कॉलेज स्टूडेंट. ही पुट प्रपोजल टू रिप्रेजेंट द कॉलेज इन स्वच्छता कैंपेन. हिज प्रपोजल एक्सेप्टेड बाय द कॉलेज एंड गॉट अपॉर्चुनिटी टू रीड. बाय टेकिंग इमीडिएट एक्शन ही इश्यूड नोटिस टू वॉलंटियर्स एंड सिलेक्टेड सम ऑफ देम, असाइन देयर वर्क लाइक अरेंज साइकिल, चूज डेस्टिनेशन, ब्रूम, डस्टबिन एटसेट्रा. Later on, with his team, reached destination by cycle, started cleaning public place. After seeing this, many people participated, put dustbin and aware the people about many disease. ठीक है, disease होगा यहाँ पर. अब वहाँ पर आपने spelling सही लिखी है. Like respiratory disease, waterborne diseases, etc. That can be controlled by cleanliness. By the way, his college awarded for स्वच्छता campaign. Award तो बिल्कुल नहीं देना, मैं पहले ही बोला था. Award मत दिया कीजिए. ठीक है, avoid को कोई भी अवार्ड हो, चाहे खुद को देना है प्राइज हो, खुद को देना है मत दो. ठीक है, लगेगा कि हाँ खुद को दे देता है कोई प्राइज, मत दो. ठीक है, उसको जितना आप चार्ज मतलब कोशिश करो कि वो आने नहीं चाहिए वहां पर. अवार्ड नाम आना ही नहीं है, प्राइज नाम आना ही नहीं है. ठीक है, दूसरी चीज यहां पर यह है कि यू स्टार्टेड द एक्सपेडिशन. ठीक है, अब यहां पर तो मैं ऑफकोर्स इफ यू आर लीडिंग देन यू विल लीड इन द फ्रंट. ठीक है, आपने अपना जो मेन कैरेक्टर है वो आपको स्टार्टिंग यानी कि जो सबसे आगे है उसको रखना चाहिए था, बिकॉज यू आर लीडिंग, दिस मैन इज लीडिंग द कैंपेन. ठीक है, ही इज द लीड.
तो आपको जो लीड है उसको आपको चूज करना है, आपको सबसे पीछे वाले को चूज नहीं करना था यहाँ पर, ठीक है। वही मैंने आपसे कहा कि एक बार मैं स्टोरी पढ़ लूंगा उसके बाद बताऊंगा कि आपने करेक्टर सही चूज किया या नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका, इफ यू आर 20 ईयर कॉलेज स्टूडेंट, आपने रिप्रेजेंट करना था कॉलेज को स्वच्छता कैंपेन में, ठीक है। अब वो स्वच्छता कैंपेन हो कहां रहा है, ठीक है, वो स्वच्छता कैंपेन किसके अंडर हो रहा है? देयर आर सो मेनी स्कीम्स ऑन द क्लीनलीनेस ड्राइव, है ना। तो स्वच्छता पखवाड़ा भी होता है, ठीक है, जिस दौरान आपका जो है बहुत सारे आपकी एक्टिविटीज होती हैं। तो ये स्वच्छता कैंपेन अचानक से आपके दिमाग में कैसे आया? मतलब ऐसा थोड़ी ना कि अचानक से आप उठे और अगले दिन आप स्वच्छता कैंपेन के लिए निकल गए, नहीं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपने किया होगा। तो आपको यहां पर वो चीज यहां पर जो है सोचनी थी कि वो आप स्वच्छता कैंपेन आप कब कर रहे, ठीक है, व्हेन यू आर ट्राइंग एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट, ठीक है। तो वो चीज अगर यहां पर होती तो वो और ज्यादा बेटर हो जाती। बाकी आपने यहां पर अपनी प्लानिंग सही लिखी है कि ठीक है, अरेंज बाइसिकल्स, ठीक है, चूज डेस्टिनेशन। अब ये जो डेस्टिनेशन है ये कौन सी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर जैसे मैं बात करूं आपका, आप एक कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यहां पर आप कह सकते थे कि नियर बाय विलेज यू सी ओ सॉ दैट वन डे वाइल गोइंग देयर दैट देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर देयर इज लॉट ऑफ अनक्लीनलीनेस, ठीक है, बहुत सारे आपका जो है कूड़ा आपका इकट्ठा है, वहां पर सीवेज की प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली उसके बाद फिर आप अपनी स्टोरी को आगे बढ़ा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है सागर। सागर बेटा चार कैरेक्टर हैं, सिर्फ तीन ही क्यों आपने यहां पर पोर्ट्रे किए, ठीक है, देयर आर फोर कैरेक्टर्स, एक सेकेंड, फोर ही है ना, यस, देयर आर फोर कैरेक्टर्स। तो यहां पर अगेन अगर आप जो है चार में से सिर्फ तीन लिख रहे हो तो ये लैक ऑफ परसेप्शन हो जाता है, ठीक है, दिस इज लैक ऑफ परसेप्शन कि आप जो है प्रॉपरली आप जो है परसीव ही नहीं कर पा रहे हो। परसेप्शन क्या होता है, जब मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं, परसेप्शन का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सबसे पहले आता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, ये प्रॉपरली आपने परसीव किया है कि नहीं किया है, ठीक है। इसी के साथ साथ परसेप्शन का मतलब है उनका मूड ऑफ कैरेक्टर्स, आपका मूड ऑफ कैरेक्टर वो प्रॉपर है नहीं है, ठीक है। जैसे लास्ट सेशन में भी हमने बात की थी कि अगर कोई ग्रेवयार्ड वाला सीन है तो वहां पर आपका मूड पॉजिटिव नहीं होगा, है ना, ग्रेवयार्ड वाले सीन में। तो वो प्रॉपरली आपका परसेप्शन प्रॉपर रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि मूड ऑफ कैरेक्टर आपका क्या है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेक्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है, जैसे हमें दिख रहा है यहां पर सारे मेल्स हैं, तो ये प्रॉपरली आपका ये परसेप्शन ठीक है, लेकिन आपका जो है यहां पर सबसे जो बड़ा लैक ऑफ परसेप्शन जो समझ में आया वो है दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि टेस्ट ही इस चीज का है, है ना। पिक्चर परसेप्शन, पहले आप जब तक पिक्चर को परसेप्शन, और वो परसेप्शन आपका कहां रिफ्लेक्ट होता है, आपका जो एक्शन बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ना, इसी में हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम लिखते हैं। आपको लग रहा होगा ये सब क्यों लिखी जाती है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, मूड ऑफ कैरेक्टर कैसा है, सेक्स ऑफ कैरेक्टर कैसा है, उसका एज क्या है, एज ऑफ कैरेक्टर क्या है, ये जो आपकी चारों चीजें है ना, यही चारों चीजें आपके परसेप्शन में इंक्लूड होती है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर दी परसेप्शन। आपको देखकर आर्म फोर्सेस के ऑफिसर की फीलिंग आती है, पहले आप एनडीए की ज्योग्राफी की भी क्लासेस लेते थे, ये सत्यम। ऑलराइट, तो आप यहां पर देखें, बाकी आपका जो है यहां पर हम देखते हैं आपका क्या है, अ ट्रिप टू मनाली। यश इज अ बीटेक फोर्थ ईयर स्टूडेंट, ही प्लान्स अ ट्रिप टू मनाली विद हिज कॉलेज फ्रेंड्स। आफ्टर बुकिंग टिकट्स एंड पैकिंग ऑल द नेसेसरी आइटम्स, दे टुक द बस एंड डिपार्टेड फॉर मनाली। After reaching there, they realized that there is so much to explore, but they have limited time. On discussion, Yash suggested that they should take bicycles on rent from a bicycle rentals. Everyone agreed to Yash's suggestion and rented bicycle. After taking bicycles, they explored the area, returned the bicycles to the rental store, returned to their respective places on time after a satisfied journey. ठीक है, एक simple story आपने लिखने की कोशिश की, ठीक है। यहां पर सागर आपको क्या समझना है कि जब आप स्टोरी लिख रहे हो, स्टोरी में आपको ऐसा पोर्ट्रे करना है कि भाई वहां पर आपका जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यश यहां पर है, तो यश इज योर सेंट्रल कैरेक्टर। अब अगर मैं यश की बात करूं तो ये यश जो है ये आपका कर क्या रहा है, ठीक है, हाउ ही प्लान्ड दैट ट्रिप, ठीक है, वो जो प्लानिंग है ना, हाउ ही प्लान्ड दैट ट्रिप, क्योंकि ये चीज अगर आप यहां पर इंट्रोड्यूस करोगे हाउ ही प्लान्ड दैट ट्रिप,
ठीक है, कैसे उसने प्लान किया, कौन कौन सी जगह जानी थी, क्या क्या चीजें आपको करना था, तो हाउ ही प्लान द ट्रिप दैट वुड हैव शोन योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी. देखो हर एक चीज जो है ना क्या करता है, हर एक चीज आपके ऑफिसर लाइफ क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है. इस पर अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा फोकस कर दोगे तो यहां पर आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी वाली स्किल्स है वो निकल कर सामने आएंगी. एंड अल्टीमेटली जैसे मैंने आपसे कहा, आपकी स्टोरी क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, आपके अंदर के ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. तो आप ये चाहोगे, देखो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं आप लोगों से, जब भी आप जाते हो, इफ आई हैव टू सेल दिस पेन, ये मेरे पास एक पेन है, अगर मेरे को इसको सेल करना है, ये 10 रुपए का है और एक दूसरा सेल्समैन है वो भी 10 रुपए का पेन ही बेच रहा है, तो मेरे को इसकी क्वालिटीज बतानी होंगी तभी मेरा पेन बिकेगा. ठीक है, जब तक मैं इसकी क्वालिटीज नहीं बताऊंगा तब तक ये पेन क्यों बिकेगा. SSB इज द सेम. वहां पर जो assessors है ना, दे आर देयर टू सेलेक्ट यू, कि आपको सिलेक्शन देना है. उनका कोई ये पर्पज नहीं होता कि आपको रिजेक्ट करना है, उनका पर्पज है आपको सेलेक्ट करना. लेकिन कब सेलेक्ट करेंगे, जब तक आप अपनी क्वालिटीज नहीं शो करोगे. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. फिर व्हाट लेड टू स्टोरी देर से आता, तो यहां पर वही चीज है ना कि ये जो प्लानिंग है आपने यहां पर लिखा, ही प्लान फॉर द ट्रिप. ठीक है, एंड अल्टीमेटली वो फिर भी देर से आ रहा है. ठीक है, आपने जो प्लानिंग की है बाइसिकल्स फिर भी लेट आ रहा है. ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते थे कि देर वुड हैव बीन सीनरीज अराउंड, तो वहां पर उसने प्लानिंग की. और उसी में अगर मैं बात करूं सागर, आप कह रहे हो कि ये लेट आता, मैं इसको जल्दी ले आता, क्योंकि जब मैं प्लानिंग करता तो प्लानिंग में मैं अपने दोस्तों से कहता यार वहां पर जो है बहुत अच्छी अच्छी सीनरीज होंगी, देर वुड बी सो मच ऑफ कंट्री साइड टू विजिट, एंड अल्टीमेटली वील यूज द बाइसिकल्स टू विजिट द कंट्री साइड, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है एंड वी हैव टू फोकस ऑन आवर स्टडीज ऑल्सो. समझ रहे हो, अगर मेरे को व्हाट लेड टू पिक्चर, व्हाट लेड टू स्टोरी, वो मेरे को जल्दी लाना है तो मैं उसको प्लानिंग में ही इंटीग्रेट कर दूंगा. अगर प्लानिंग में इंटीग्रेट हो जाएगा तो आपका जो व्हाट लेड टू पिक्चर अभी भी लेट आ रहा है वो स्टार्टिंग में आ गया होता. समझे, कैसे आपको उसको ऊपर लेकर आना है, ये तभी आपका डेवलप होगा जब आप उसको बार बार लिखोगे. ठीक है, पिक्चर में सजेशन दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, पिक्चर में सजेशन क्यों देना आपको. अगर आप सजेशन की बात कर रहे हो, इन योर स्टोरी आप अपनी स्टोरी में सजेशंस लिख सकते हो कि ये चीजें होनी चाहिए थी. ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते कि यहां पर 4 बाइसिकल है, बाइसिकल की जगह इस पिक्चर में बाइक होनी चाहिए थी, वो चीज नहीं कर सकते. ठीक है सत्यम. देन तुषार, तुषार ने जो सेकेंड, यहां से आपका सेकेंड जो करेक्टर है उसको चूज किया है एज ए सेंट्रल करेक्टर. देख लेते हैं एक बार यहां पर, एक्शन प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट गेम. ठीक है, रमेश इज अ 21-year-old कबड्डी प्लेयर हु लिव्स इन ग्वालियर. ऑन लास्ट संडे हिज टीम लॉस्ट अ मैच अगेंस्ट देयर राइवल टीम. दे वर वेरी अपसेट अबाउट द लॉस. द कोच टोल्ड देम दैट दे लॉस्ट देयर स्टैमिना आफ्टर हाफ ऑफ द गेम. Coach then decided to give them training to increase their stamina. He used to make them run, ride cycles along with him and made them do other exercises. Ramesh performed well in those days. He also held weak players of the team. Coach chose him as the captain of the next game against the same team. The team performed well in that game and won the game. Ramesh was declared the player of the match. All were very happy for their efforts. Yahan par, Tushar, ye puri picture jab aap padhoge, ek bar isko khud bhi padhna. जब आप इसको पढ़ोगे, इस पिक्चर में जो आपका करेक्टर है रमेश, वो मेरे को कहीं पर भी हीरो नजर नहीं आ रहा. यहां पर जो हीरो नजर आ रहा है, जो सारा एक्शन कर रहा है वो कोच कर रहा है, रमेश ने कुछ नहीं किया. ठीक है, रमेश ने क्या किया, रमेश ने कुछ नहीं किया. वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो एक्शन लिखना है, आपको अपने करेक्टर को यहां पर हीरो बनाना है, तो आपको अपने करेक्टर को हीरो बनाना पड़ेगा. रमेश इज नॉट डूइंग एनीथिंग. तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब अपनी स्टोरी आप लिखते हो तो जो आपका मेन करेक्टर है, ये मेन करेक्टर ही तो आपको डिफाइन कर रहा है. दिस मेन करेक्टर डिफाइंस यू कि आप क्या हो. ठीक है, ही डिफाइंस यू कि आप क्या सोचते हो. और इसीलिए मेरे को मेन करेक्टर को ही आपका क्या करना है, इसी को आपको अपना हीरो बनाना है. और हीरो कैसे बनाऊंगा, जब वो सारे एक्शन अपने आप करेगा. तो एक्शंस भी कौन करेगा, आपका हीरो करेगा, मेन करेक्टर करेगा. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहां पर कि जब भी आप अपनी स्टोरीज लिखते हैं तो कोई दूसरा अगर एक्शन कर रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल
कहीं पर आग लगी, मैं वहां पर खड़ा हुआ, मैं कह रहा हूं, मैंने उसको बोला कि भाई तू जा वहां से पानी ला, मैंने उसको बोला तू फायर ब्रिगेड को कॉल कर, मैंने उसको बोला तू एम्बुलेंस को कॉल कर, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो यहां पर आई एम नॉट अ लीडर, ठीक है, मैं कौन हूं, मैं बॉस हूं। बॉस क्या होता है, देखो ध्यान रखना, देयर आर डिफरेंस बिटवीन बीइंग बॉस एंड बीइंग लीडर, ठीक है। आपको लीडर बनना है, आपको बॉस नहीं बनना। बॉस क्या करता है, ऑर्डर्स देता है, ठीक है, बॉस का काम है सिर्फ ऑर्डर देना, ठीक है, वो सिर्फ ऑर्डर्स को देना जानता है, ही गिव ऑर्डर्स। लेकिन लीडर का काम क्या है, ही लीड्स विद द मैन, ठीक है, यानी कि वो सिर्फ ऑर्डर नहीं देता, वो उनके साथ काम करता है, वो खुद करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लीड करना है। वी वॉन्ट यू टू बी दी ऑफिसर्स इन दी आर्म फोर्सेस, ठीक है। अगर आप जा रहे हो एसएसबी के लिए जा रहे हो, अगर आप जा रहे हो, आपने रिटन क्वालिफाई किया है, आप एसएसबी में जाते हो, तो हमें लीडर्स चाहिए, ठीक है, हमें बॉस नहीं चाहिए। क्योंकि लीडर ही अपने जो है, जो सैनिक है, जो अपने साथ जवान है, उनके साथ लीड कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। मेरे पास डीयू में पढ़ने के पैसे नहीं थे सर, बिकॉज माई फैमिली इनकम इज दिस, वहां हॉस्टल के लिए अच्छा लग जाएगा, तो मेरे ये एनडीए का लास्ट अटेम्प्ट है सर, तो मैं एनडीए पर फोकस करूं, बिल्कुल कर रहा हूं, एंड माय एम इज एनडीए। तो मैं ये इंटरव्यूअर को बोल सकता हूं, इफ दे आस्क हम तुमने ग्रेजुएशन में एडमिशन क्यों नहीं लिया, तो बेटा एक सिंपल सी चीज है सत्यम, इंस्टेड ऑफ दिस यू कुड हैव गॉन फॉर द प्राइवेट एडमिशन ऑल्सो, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, एंड दे प्रोवाइड यू विद ग्रेजुएशन, जो कि आपका डिस्टेंस लर्निंग से आपका होता है, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अगेन देखो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है कौन निकालेगा, वो ये लीडर निकालेगा, ठीक है। आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, आप डीयू में नहीं जा सकते, ठीक है, आप वहां पर अपनी जो है लोकल जो यूनिवर्सिटी है वहां पर आप एडमिशन ले सकते थे, ठीक है, या फिर आप डिस्टेंस लर्निंग से कर सकते थे। अगर आप ये जवाब दोगे तो मेरे पास फिर ये सवाल होंगे कि आपने फिर ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है। तो यू हैव टू बी रेडी, जो भी आप जवाब दो उसके लिए आपके पास आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट वन इज फ्रॉम अंशिता, एक्शन गोइंग टू स्कूल अ लिटिल लेट वन मॉर्निंग, राम इज अ 16 ईयर ओल्ड बॉय हु इज इन 10th स्टैंडर्ड, ही हैज 3 यंगर सिबलिंग्स, 2 ऑफ देम वन आर ट्विंस, रमेश सुरेश एंड द यंगेस्ट 10 ईयर राजू। अगेन यहां पर आपने सबको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, सिर्फ मेन करेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, मेन करेक्टर को ही आपको इंट्रोड्यूस करना है, जो भी आपका मेन करेक्टर है। द फोर ब्रदर्स आर अ क्लोज निटेड ग्रुप, दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स इवन बीइंग अपार्ट इन एज, दे गो टू स्कूल टुगेदर एवरी डे फ्रॉम देयर विलेज टू अनदर एज द स्कूल इज सिचुएटेड इन देयर नेबरिंग विलेज। यस्टरडे वॉज 13th बर्थडे ऑफ द ट्विंस रमेश एंड सुरेश, सो द ब्रदर एंड देयर रिलेटिव्स हैड अ पार्टी लास्ट नाइट ड्यू टू विच दे कुड नॉट गेट अप ऑन टाइम, देयर स्कूल इज 45 मिनट्स फार फ्रॉम देयर होम, सो वेन राम woke up this morning and realized they were late, he woke all of his brothers up, they got ready as fast as they can and left for school in their bicycle, they reached their school with 2 minutes remaining, parked their bicycles and attended their classes as usual and went home after the school got over, theek hai। yahan par anshita agar main baat karu aapki story ki to yahan par aap dekh sakte ho bhai sabse pehle to ठीक है, when you are being an officer, अगर आप चाह रहे हो कि भाई मेरे को ऑफिसर बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, being on time, आपका एक्शन ही बता रहा है being late, तो that means कि आपने क्या किया, जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी है उसको निगेट कर दिया, ठीक है। नेगेटिव ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को पोर्ट्रे नहीं करना है, ध्यान रखिएगा बेटा, जैसे मैंने आपको बताया यू हैव टू सेल दिस पेन, ठीक है, आपको अपनी क्वालिटीज को बताना है, लेकिन अगर आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के अगेंस्ट आप नेगेटिव ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बताओगे, ठीक है, बीइंग ऑन टाइम इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द ऑफिसर्स, कि आपको पंक्चुअलिटी, नाम सुना होगा आपने कि पंक्चुअल आपको होना चाहिए, बीइंग एन ऑफिसर यू हैव टू बी पंक्चुअल, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका तो आपको ऑन टाइम आपको होना चाहिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको यहां पर समझना है कि आपको नेगेटिव ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को अपनी स्टोरीज में इंटीग्रेट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना अंशिता।
राइट इट अगेन विद अनदर थीम, ठीक है, अनदर थीम के साथ दोबारा से लिखो एंड देन सेंड इट अगेन. अगर एनडीए नहीं तो एसएससी देकर एक जॉब ले लूंगा एंड साइड बाय साइड ग्रेजुएशन के साथ सीडीएस का एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा. इज इट राइट सर? व्हाई इज इट राइट? अगेन आई सेड कि भाई आपको ग्रेजुएशन करनी है तो ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है, आप जो है ग्रेजुएशन करोगे जब तक कि आपका एसएससी क्लियर होगा उस टाइम तक क्या होगा, उस टाइम तक आपकी एज आगे बढ़ चुकी होगी, आप ग्रेजुएशन में जाओगे एंड अल्टीमेटली सीडीएस के लिए आप ओवर एज हो जाओगे जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा. तो इसलिए द बेटर थिंग इज टू लुक फॉर द ऑल्टरनेटिव. ठीक है, उदित गेटिंग द बोट टू वॉटर. ओके, अजय इज 18 ईयर ओल्ड हाई स्कूल स्टूडेंट लिविंग इन केरला. He goes to school in his bicycle along with his friends on their way to school. They have to cross a small bridge which connects the canal to nearby river. One morning on their way to school, Ajay sees an old man struggling to get his boat into water. As soon as Ajay saw this, he asked his friends to accompany him to help the old man. His friends reminded him, they will be late for the school. He convinced his friends and they all together helped the old man to get his boat into the water. During this action, all of them got wet by water. When they reached their school, Ajay explained this to teacher why they were late for the class. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? What was the conclusion? Conclusion नहीं है. Then another thing is, Udit, यहाँ पर सबसे important चीज़ है कि जब तक जरूरी ना हो, जब तक जरूरी ना हो, तब तक आपको problems को create नहीं करना है. You have to write the story by seeing the picture, by having a perception of the picture. तो पिक्चर को देखो और उसके बाद स्टोरी लिखो. योर आइडियाज शुड बी विद इन द पिक्चर. ठीक है, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है. जब आप पिक्चर लिख रहे हो, कोई भी स्टोरी लिख रहे हो, दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था वहां पर आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग में कि अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट हमें नहीं करना होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज बाय ज्ञानेंद्र. Action, timely action prevents danger. Rohan is 17 year old boy while returning from school along with friends. He saw that bridge over the canal was broken due to overflow of water. He immediately signaled his friends to stop and decided to complain the issue to the village head so that it won't disrupt the normal movement of men and material. He asked one of his friends to stay there and kept their cycles as barrier on one side to block the movement vehicles. And with the help of ropes, two of them crossed the river and ran to complain to authorities and got the bridge fixed. The boys were appreciated for their might and handling the situation well. भाई यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ, बाकी सब चीज ठीक है, आपने जो अपनी स्टोरी लिखी है दैट इज गुड ज्ञानेंद्र. रोप्स कहां से आई? रोप्स कहां से आई? अगर मैं अपने स्कूल जा रहा हूं, स्कूल में मैं रोप्स अपने साथ लेके जाऊंगा? नहीं जाऊंगा. तो यहां पर रोप्स कैसे आई? अगेन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको यहां पर सोचना है. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. आप उसको जो है बता सकते थे दैट ही इज अ स्विमर. ठीक है, तो बीइंग अ स्विमर ही क्रॉस द ब्रिज. ठीक है, ही क्रॉस द रिवर एंड अल्टीमेटली ही वेंट ओवर टू द अनदर साइड. ठीक है, यहां पर रोप की जगह आप उसको स्विम करके भी भेज सकते थे. ठीक है, इफ, क्योंकि आपकी स्टोरी है. ठीक है, ये आपकी स्टोरी है, आपकी इमेजिनेशन है. वो स्विमर भी हो सकता है कि वो अपने स्कूल टीम में, अपना जो है स्विमिंग टीम में है. ठीक है, गुड स्विमर है एंड अल्टीमेटली ही सेड कि ठीक है, आई विल गो, आई विल स्विम अक्रॉस एंड आई विल लेट दी विलेजर्स नो अबाउट दिस इश्यू. और उसके बाद फिर आप जो है साथ ही साथ जो विलेज मैनेजमेंट है, जो आपका पंचायत है, वो वहां पर कोई टेम्परेरी ब्रिज या फिर बोट्स वगैरह का अरेंजमेंट कर सकता था. सो दैट जैसे आपने कहा कि भाई मेन और मटेरियल का मूवमेंट जो है वो आपका रुकना नहीं चाहिए, वो डिसरप्ट नहीं होना चाहिए, तो वो डिसरप्टेड तो है. वो जो डिसरप्शन है वो उसका सॉल्यूशन यहां पर नहीं है, तो वो भी हमें सोचना है. राइट, नेक्स्ट वन इज बाय चंद्र. चंद्र अगेन ट्रेनिंग एट आईएमए. रवि इज 24 ईयर ओल्ड जेंटलमैन कैडेट एट आईएमए. ही इज अंडरगोइंग हिज ट्रेनिंग. एज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम दे वेंट टू जंगल to learn basic survival skills, jungle warfare and mountain climbing. भाई जब आप जंगल जा रहे हो, ठीक है, you are going for jungle warfare, तो mountain climbing कहां से आ गई? जंगल वॉरफेयर में माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं होगी. राइट, वो तब होगी जब आप माउंटेन्स के लिए जाओगे. तो अल्टीमेटली ओवर हियर, ठीक है, तो जंगल वॉरफेयर के लिए जा रहे हो तो उसके साथ माउंटेन क्लाइंबिंग, अगेन इट शोज लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी. एज दे वेंट फॉर 2-3 डेज लॉन्ग प्रोग्राम एंड दे took food, rope, arms and ammunition and all necessary things with them. Arms and ammunition थोड़ी ना लेके जाओगे आप. ठीक है,
आर्म्स और एमिनेशन ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा आपको, पहली बात तो ठीक है, मिलेगा भी तो वो आपका जो है फॉल्स एमिनेशन होता है। दूसरी चीज, जब आप जा रहे हो जंगल वॉरफेयर के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जंगल में आप जा रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट है मैप, ठीक है, मैप आपने मेंशन नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट है कंपस, कंपस आपने यहां पर जो है वो मेंशन नहीं किया। टेंट्स, अगर आप दो तीन दिन का आपका प्रोग्राम है तो आप टेंट्स में रुकोगे, है ना, जंगल है तो जंगल में टेंट्स आप बनाओगे, मचान आप बनाओगे तो मचान के लिए आपको रोप्स चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जब लिख रहे हो तो सोचो कि अगर जंगल में मैं जा रहा हूं तो मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए, और उन चीजों को आपको यहां पर इंक्लूड करना था, ठीक है। एंड ऑल नेसेसरी थिंग विद देम, रवि एंड हिज टीम डिड वेल एंड लर्न बेसिक टैक्टिक्स आफ्टर ट्रेनिंग, दे हेडेड बैक टू द अकेडमी, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है आपको कि वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। बनवारी, अगेन बेटा, लैक ऑफ परसेप्शन, 4 कैरेक्टर्स है, यू हैव रिटन ओनली अबाउट 3, तो 4 कैरेक्टर्स तो आप आसानी से लिख सकते हो एक्शन बॉक्स में। सॉरी, थीम इज इफ यू डिसाइड देयर नथिंग इज इम्पॉसिबल। तुषार इज अ 21-year-old पोस्ट ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट वन डे। अब 21-year-old में बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हो सकती 21 ईयर में, है ना, तो पोस्ट ग्रेजुएशन यहां पर नहीं होना चाहिए था, ग्रेजुएशन आप लिख सकते थे। वन डे ही वॉज सिटिंग नियर द ब्रिज इन हिज विलेज विद हिज फ्रेंड्स, देयर ही डिसाइड्स टू क्रॉस द ब्रिज इन मिनिमम टाइम विद हिज फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट मॉर्निंग दे ऑल कम विद देयर साइकिल्स, तुषार एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड रघु रीच मिड ऑफ द ब्रिज वेरी अर्ली, सो दे स्टॉप कॉल देयर रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स बाय सेइंग कम फास्ट, ओनली हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट, सो द रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ट्राइड देयर बेस्ट एंड दे ऑल क्रॉस द ब्रिज इन द मिनिमम टाइम। अब ये यहां पर अगर मैं बात करूं आपका तो ये जो आपका जो ब्रिज क्रॉसिंग है ये कैसे बहुत बड़ा आपका इशू है, इट इज नॉट एन इशू। ब्रिज क्रॉस अगर आप कर रहे हो, आप गांव में हो तो ये तो चीज आप जो है हमेशा कर रहे होंगे, ठीक है, दिस वुड हैव बीन द थिंग दैट यू वुड बी डूइंग एवरी डे। तो अगेन अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर आपको जो है अपनी थीम को बेटर बनाना है, ठीक है, वॉट यू नीड टू डू ओवर इज बनवारी कि आपको अपनी थीम के ऊपर वर्कआउट करना है, जस्ट लुक आफ्टर द थीम्स जो कि आप कर सकते हो। यस, ये कुछ स्टोरीज है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज बता दूं बेटा, जब भी आप स्टोरीज को पेपर पे लिखकर भेजते हो तो ऑलवेज स्कैन इट अप, ठीक है, उसको स्कैन करके भेजा करो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका तो ओवर हियर वी हैव बिट्टू, अच्छा आप ही कह रहे हो ना बिट्टू, है ना, तो यहां पर अगेन वी हैव दिस थिंग, यहां पर थीम है हेल्पिंग पीपल टू इवैक्युएट फ्रॉम फ्लड। प्रशांत इज एनसीसी कैडेट ऑफ ग्रेजुएट स्कूल इन छपरा डिस्ट्रिक्ट, ड्यूरिंग एनसीसी कैंप हिज कॉलेज कोर असाइंड सम वॉलंटियर्स टू हेल्प द पीपल ऑफ नियर बाय विलेज वेयर फ्लड हैड अकर्ड। Prashant has taken initiative to do the help. He along with 4 cross core mate who was well known to swimming went towards the village. He took all the available resources like rope, net, portable oxygen bottle, etc. Midway, when he crossed the small bridge, he asked 2 of friends to stay there after binding rope and net to the tree on both sides of the river. He along with the rest of friends reached the village and helped the NDRF team to evacuate the people from flood. He gave CPR to the unconscious people. After evacuating the people, he returned to the camp and asked the CO to provide some food to the villagers. And after taking permission with their team, distributed food and daily use items. He thanked to their core mate to assist them up to the last. All right. So, Bittu, yahan par aapki story to theek hai. Agar main baat karun aapka. ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है, आपने 5 कैरेक्टर्स यूज कर लिए यहां पर, अगेन मिस परसेप्शन, 5 कैरेक्टर्स नहीं है वहां पर, सिर्फ आपका जो है 4 कैरेक्टर्स है, तो वहां पर अगर हम देखें आपका मिस परसेप्शन है, 4 ही कैरेक्टर्स आपको यहां पर यूज करने हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपकी स्टोरी बिल्कुल सही चल रही है, यहां पर आप अब उनके मतलब ठीक है, आप जो एनसीसी में हो, एनसीसी में आपको उनको कोरमेट की जगह अपने फ्रेंड्स भी आप बना सकते हो, योर फ्रेंड्स वर आल्सो देयर, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, जब आप यूज करते हो फ्रेंड्स लाइक वर्ड तो वो आपका जो है सोशल एडजस्टमेंट को शो करता है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है वो चीज। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो बाकी सब चीजें ठीक है, आपने जो अपना रिसोर्सेज यूज किए हैं वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जिस तरीके से आपने हेल्प किया है वो भी ठीक है। अब एनडीआरएफ की टीम को आप जो हेल्प कर रहे हो, पहली बात तो सीपीआर
भाई अगर आपका फ्लड है तो फ्लड में सीपीआर किसको देते हैं? सीपीआर दिया जाता है जब आपका जो है हार्ट अटैक होता है, ठीक है। फ्लड में अगर मैं बात करूं बेटा बिट्टू, वहां पर लोगों को प्रॉब्लम क्या होगी? वहां पर प्रॉब्लम होगी कि लंग्स में पानी भर जाएगा, है ना। तो वहां पर पहली बात तो एनडीआरएफ की टीम है तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वहां पर सिर्फ आप हेल्प कर सकते हो उनको जो है इवैक्यूएट करने में। दूसरी चीज, सीपीआर आप तब दोगे जबकि आपका हार्ट अटैक होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज, यहां पर एनडीआरएफ की टीम है तो फिर उनको फूड और बाकी सब चीजें सप्लाईज वो एनडीआरएफ प्रोवाइड करा रही होगी, आपकी जो एनसीसी कोर है उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टाइम कब से है लाइव का बेटा? 6 PM। ऑलराइट बिट्टू, तो दैट यू हैव टू डिसाइड, रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी हम यहां पर देखते हैं, दैट इज बाय लोकेश। लोकेश अगेन यहां पर अगर मैं बात करूं, मैं लास्ट कैरेक्टर को यूज करता और साथ ही साथ अगेन यू हैव यूज्ड 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। यहां पर आपके 5 कैरेक्टर्स है। अगेन मिस परसेप्शन यहां पर शो रहा है। ट्रेनिंग स्टूडेंट फॉर प्रो साइक्लिंग, मेजर वामसी इज अ 36-year-old आर्मी वेटरन। ही हैज सर्वड इन द इंडियन आर्मी फॉर 14 years एंड हैज रिटायर्ड लास्ट ईयर। He hails from Patiala, Punjab. Post retirement, he decided to do something that could be beneficial to the society. He wanted to inspire the younger generation. He always fond of cycling from his childhood. He participated in many marathons and won medals. 3 younger lads, Ram, Surya, and Vivek, aged around 14, who were fond of cycling, were greatly inspired by Major Vivek. One day, they came to him, asked if he could teach them pro cycling. Major Vivek agreed and started to train them for under-16s. Every day they used to train from 5 hours to 9 hours. यहां पर बेटा एक चीज ध्यान रखना, 500 होना चाहिए अगर आप आवर्स को यूज कर रहे हो, ठीक है। या फिर अगर आप 0500 आवर्स लिख रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज 5 AM to 9 AM in the morning and from 1600 hours to 1830 hours in the evening they used to cycle on the village roads along with the green paddies fields. ठीक है, मेजर वामसी यूज टू साइकिल अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वाइल शेयरिंग हिज स्टोरीज ऑफ वेलर इन द आर्मी एंड हाउ ही यूज टू एंजॉय साइकिलिंग इन ओटीए चेन्नई। मेजर वामसी यूज टू ट्रेन द स्टूडेंट्स वेरी हार्ड एंड एनकरेज देम, लीविंग नो वन बिहाइंड। वन सीइंग द सक्सेस ऑफ दीज 3 बॉयज, मेनी मोर केम टू ट्रेन अंडर मेजर विवेक, सो ही स्टार्टेड हिज ओन साइकिलिंग अकेडमी इन हिज होम टाउन। मेजर विवेक ऑल्सो टॉट स्किल्स ऑफ सेल्फ डिफेंस टू गर्ल्स फॉर फ्री, ठीक है। तो बाकी स्टोरी सही है यहां पर लोकेश, लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने आप को कनेक्ट करना है विद द सेम एज ग्रुप, ठीक है। आप मेजर वामसी नहीं बनना चाहोगे, है ना, आप मेजर वामसी नहीं बनना चाहोगे यहां पर, क्योंकि उनकी एज ग्रुप आपके एज ग्रुप से एक्स्ट्रा है। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जहां तक पॉसिबल हो अपने जो मेन कैरेक्टर है उसको अपने एज ग्रुप का आप चूज करें, ठीक है। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, अगले संडे को ये होगा क्या? बिल्कुल होगा। ऑलराइट, आई टेक रैंडम पिक्चर्स एंड राइट स्टोरीज एंड शेयर इट विद यू फॉर फीडबैक। यस आई नो रूप, रूब्स 07, बिल्कुल मेरे को पता है, लेकिन मेरे पास जितना टाइम होता है उतना ही मैं अपने फीडबैक्स को शेयर कर पाता हूं विद द स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज मेरे पास आती है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट स्टोरी हम देखते हैं। विश्वजीत, आई परसीव 4 पिक्चर अगेन। बेटा यहां पर यह चीज नहीं करनी है, आई परसीव 4 पिक्चर इन द इमेज, ये काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग देख लेना, ये पूरी वीडियो आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। द आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग, कैसे आपको स्टोरी लिखनी है। स्टोरी में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, अपने मेन कैरेक्टर को आप इंट्रोड्यूस करोगे। उसके बाद है व्हाट लेड टू द पिक्चर, कैसे आप उस पिक्चर तक पहुंचे, ठीक है, व्हाट लेड टू पिक्चर। उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं आपका, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी मेन बॉडी, यानी कि जो एक्शन आपका जो है मेन कैरेक्टर ने आपका किया है, और देन यू वुड हैव द कंक्लूजन। ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक स्टोरी में, तो इन चारों चीजों को जरूर आपको प्रॉपरली मेंशन करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ यू कैन ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं आपको हर वीक एक पिक्चर देता हूं, जैसे इस बार हमने देखा, ठीक है, वो पिक्चर देता हूं और उस पिक्चर के बाद यू राइट योर स्टोरीज और देन वी डिस्कस दो स्टोरीज इन आर वीकली पीपीटी, ठीक है, जो कि हम हर संडे आपका करते हैं। एट संडे 6 PM हमारा वीकली पीपीटी होता है, तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम। इसी के साथ साथ डेली क्विजेस, लाइव क्लासेस, फ्री PDF अपडेट्स और साथ ही साथ आपका डेली PYQs और लाइव इंटरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। यहां पर आप देख सकते हैं, इस स्कैनर को आप जो है स्कैन कर सकते हैं, अदरवाइज
आप मेरे को सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से भी, एट द रेट भंवर सिंह सिरोही, स्पेलिंग देख लीजिएगा BHANWARSINGHSIROHI, ऑलराइट। सो दैट वुड बी ऑल, एंड फॉर द प्रॉपर इनसाइट आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे SSB इंटरव्यू मास्टर कोर्स को, और इसके थ्रू आप लर्न कर सकते हैं फ्रॉम द एक्स एसेसर्स, और साथ ही साथ आप अपने स्टेज 2 की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ सिंपल सी एक चीज करनी है, आपको हमें कॉल करना है 9650 52904, या फिर आप सेल्फ चेकआउट भी आप कर सकते हैं, ऑलराइट। थैंक यू एवरीवन। और इस बार मेरा CDS का SSB है, ये NDA से हार्ड होगा क्या? देखो SSB रिमेन्स द सेम, SSB ना तो हार्ड होता है ना ही टफ होता है। ऐसा भी बहुत बार होता है कि आपका जो है बच्चे जाते हैं SSB के लिए, पहले SSB में क्लियर हो जाता है, रिकमेंड हो जाते हैं, दूसरे में जाते हैं स्क्रीनड आउट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है, ठीक है, पर्सनैलिटी वही रहती है, लेकिन थॉट्स में चेंज आ जाता है, द वे यू बिहेव उसमें चेंज आ जाता है। तो अल्टीमेटली आपकी जो परफॉर्मेंस होती है ना, मैं हमेशा कहता हूं, देखो उसेन बोल्ट जो है उसको आप कभी भी दौड़ाओ उसका बेस्ट नहीं आएगा, लेकिन उसेन बोल्ट को आप ओलंपिक में दौड़ाओ उसका बेस्ट आएगा, क्योंकि उसको पता है उसको परफॉर्म क्या करना है। तो वही चीज आपको ध्यान रखनी है, जब तक आप वहां पर जाके परफॉर्म नहीं करोगे, अपना बेस्ट नहीं दोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। एंड SSB रिमेन्स द सेम, चाहे वो आपका NDA के लिए है, चाहे वो CDS के लिए है, चाहे वो आपका जो है IMA की हो, चाहे वो आपका OTA की हो, ठीक है, या फिर FSB हो या फिर नेवल बोर्ड हो। ऑलराइट, सो दैट वुड बी ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, एंड बायजूस एग्जाम प्रेप के साथ बने रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, डू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और मिलते हैं आपसे कल, कल हम डिस्कस करेंगे आपका रिटन की स्ट्रैटेजी, सेल्फ स्टडी प्लान को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका होना था ऑन थर्सडे लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ माय इल हेल्थ। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। फोटोज मैं आपका वीकली शेयर करता हूं ऑन माय टेलीग्राम, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं यश, वहां पर आपको फोटोज मिलेंगी, उसी के बेसिस पर आपका जो है वी कंडक्ट दी वीकली PPTs। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, थैंक यू गाइज।